हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दो क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 5 की तो इसमें कहा गया है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है कि जो शेफाली के मार्क्स है मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में उनका सम उनका टोटल 38 मार्क्स है। किस किस में? मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में उसका जो सम है सम वो 38। एक कंडीशन है हमारे पास। इसके बाद आगे पढ़ते हैं एंड शी गोट टू मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अगर उसके मैथमेटिक्स में टू मोर दो ज्यादा मार्क्स आते एंड थ्री मार्क्स लेस इन इंग्लिश और इंग्लिश में थ्री मार्क्स लेस आते देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो इस केस में जो प्रोडक्ट होता वो 210 होता। फाइंड हर मार्क्स इन टू सब्जेक्ट्स। तो उसके मार्क्स हमें फाइंड करने हैं टू सब्जेक्ट में। अब यहां से एक तो बात क्लियर होगी कि हमें निकालना क्या है, मार्क्स निकालने हैं उसके मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में। तो यहां पे हम लिख लेते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की हम बात करें कि लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स That is equal to और second है शेफालीज marks in English दो subject में। अब देखो यहां पर इनके आपस में relation क्या दे रखा है कि इन दोनों का जो total है वो 30 है। शेफाली marks the sum of the शेफाली marks in mathematics and English is 30। अब mathematics में अगर शेफाली के 20 मार्क्स है तो इंग्लिश में उसके 10 मार्क्स होंगे क्योंकि दोनों का टोटल 30 होना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स में 15 है तो इंग्लिश में भी 15। अगर मैथमेटिक्स में 17 है तो इंग्लिश में कैसे निकलेंगे, कितने आएंगे, 30 में से माइनस कर दो 17 को, 13 हो गए क्योंकि 17 और 13 का जो सम है वो 30 हो जाएगा। अगर मैथमेटिक्स में 11 है तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 में से 11 को माइनस कर दो 90। अब अगर मैथमेटिक्स में x है, x मार्क्स उसके हैं तो इंग्लिश में उसके कितने होंगे, 30 माइनस x। अब यहां से देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 30 मार्क्स बनेंगे। तो ये जो सम की कंडीशन है ये हमने यूज कर ली है, एक कंडीशन तो हमने यूज कर ली। अब एक और कंडीशन जो ये वाली कंडीशन है उसको यूज करना है। अब उसको यूज करने के लिए अब देखिए हम किस तरह से चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि अगर उसके टू मार्क्स मोर होते मैथमेटिक्स में हैड शी गॉट टू मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में एक्स है तो टू मार्क्स होने मार्क्स और ज्यादा होने से मोर होने से टू मोर मार्क्स होने से एक्स प्लस टू हो जाएगी। मान लो पहले 17 थे तो अगर टू मोर आते तो कितने हो जाते, 19 हो जाते एक केस। और थ्री लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में थ्री लेस, इसमें से थ्री लेस करने हैं 30 माइनस एक्स में से थ्री लेस करने हैं। या कैसे लिख दो कि 30 माइनस एक्स है इसमें से थ्री लेस करने हैं। तो ये जब टू मार्क्स मोर हो गए मैथमेटिक्स में ये बन गए, जब थ्री लेस हो गए इंग्लिश में ये बन गए। आगे कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, इनका प्रोडक्ट कितना है 210। तो इसको किसके इक्वल रख देंगे 210। अब इसके लिए हमें इसको सोल्व करना है। तो कह रहे हो जो यहां पे आपको मेन जो वर्क है वो क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो कंडीशन है उनको समझना है कि आपको क्या यूज करना है।
क्या वेरिएबल है और किस तरह से उसको यूज करें। अब यहां से हमारे पास ये देखो x प्लस टू है और ये हो गया 30 और माइनस थ्री तो 27 माइनस एक्स 210। एक्स की 27 के साथ 27x, एक्स की माइनस एक्स के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, 2 की 27 के साथ 54, 2 की माइनस एक्स के साथ माइनस 2x, दैट इज 210। तो ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर 27x माइनस 2x, तो प्लस के 25x और प्लस के 54, दैट इज इक्वल टू 210। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 माइनस, यहां पे हम 210 इसको इधर ले आए। अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x। अब देखो ये अगर ये 50 होते तो ये हमारे पास 160 आ जाता, तो ये 54 है तो ये हमारे पास 156 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस है तो सबके साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस के 156, दैट इज इक्वल टू 0। अब आपको सोचना है कि सम कितना हो, माइनस 25 और प्रोडक्ट कितना हो, 156 की 1 के साथ करेंगे तो 156। अब आप देखिए कि 25 अगर मैं 13 और 12 की करता हूं तो यहां पे ठीक है हो जाएगा, तो यहां पे हम एक 13 ले लेते हैं और एक 12 लेते हैं, प्लस करेंगे तो माइनस 25 बन जाएगा अगर हम दोनों माइनस ले लें, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ही आएगा। तो हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156, दैट इज 0। यहां से x कॉमन x माइनस 13, यहां से माइनस 12 कॉमन, ये x और ये माइनस को हो जाएगा 13। अब x माइनस 13 और ये x माइनस 12, दैट इज 0। तो हम x माइनस 13 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 13, और x माइनस 12 को 0 के साथ करेंगे तो x इज इक्वल टू 12। तो ये दो केसेस आ गए हमारे पास, अब हम इनको देख लेते हैं। अगर हम बात करें केस वन की, क्योंकि नेगेटिव तो कोई नहीं है, केस वन व्हेन x इज इक्वल टू 13, तो हम लिखेंगे कि शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ये आ जाएंगे 13 क्योंकि x ही आई, और शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश, ये हमारे पास कितना है 30 माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 13 यानी कि 17। तो एक सेट तो आंसर का ये हो गया हमारे पास। ठीक इसी तरह से अगर हम, ये हमारा केस वन है, तो अगर हम केस टू की बात करें, केस टू तो इसमें हमारे पास है x की वैल्यू, इसमें कितनी है हमारे पास, इसमें हमारे पास 1x इज 12, तो यहां से शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ये हमारे पास x है तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 12, तो ये 12 आ जाएगा, और शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश, ये हमारे पास 30 माइनस एक्स है यानी कि 30 माइनस 12, तो ये 18 आ जाएगा, तो ये सेकंड सेट आ जाएगा। दो सेट हमारे पास आंसर्स के बन जाते हैं। आप चाहे तो अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। पहले सेट के लिए देखते हैं कि जब मैथ्स में कितने हैं, मैथ्स में 13 है और इंग्लिश में 17 है, टोटल तो 30 हो गया। अगर इसमें 2 मोर आए हुए थे यानी कि ये 15 हो जाते, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 15 आते, और इसमें 3 लेस आते, तो इसमें हम 3 लेस कर देते हैं, तो ये हमारे पास, यहां से एक बार चेक कर लेते हैं,
कि इसमें अगर हमारे पास टू मोर होते तो 30 से 250 हो जाएंगे, और इंग्लिश में अगर हमारे पास थ्री लेस होते तो थ्री इसमें से लेस करेंगे तो ये हमारे पास 14 हो जाएंगे। तो इनका जो प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 60 और ये हमारे पास 15, 0, 1, 2, 210 आ गया। तो 210 ही है, इसका मतलब सही है। और अगर हम सेकंड केस के लिए देखें तो सेकंड केस में हमारे पास जो मार्क्स है मैथमेटिक्स में 12 है और इंग्लिश में 18 है, इसमें 2 ज्यादा करेंगे तो ये 14 हो जाएंगे और इसमें से 3 लेस करेंगे तो ये 15 हो जाएंगे, फिर 14 और 15 ही आ गए, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 210 बनेंगे, यानी कि दोनों सेट हमारे पास इसके आंसर हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बस आपको जो कंडीशन है उसको ठीक ढंग से यूज करना है। नेक्स्ट, इसी तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ये भी एक बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, डायगोनल की बात हो रही है रेक्टेंगुलर फील्ड की, इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लोअर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। यहां पे स्टेटमेंट में आपको थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप एक बार इसका एक रफ सा डायग्राम बना लेते हो तो यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है, तो हम एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं, एक रफ शेप हम रेक्टेंगुलर फील्ड की बना लेते हैं। हमने ये रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब आप देखेंगे ये लॉन्गर साइड है, ये शॉर्टर साइड है और ये डायगोनल है, तो ये हमारे पास लॉन्गर साइड, ये भी, ये शॉर्टर साइड और ये हमारे पास डायगोनल, डायगोनल। अब इसके लिए हमें समझना है इसको, यानी कि शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड मतलब लेंथ और ब्रेथ से रिलेटेड ही है हमारे पास। अब दोबारा समझते हैं, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, ये जो डायगोनल है ये शॉर्टर साइड से 60 मोर है, 60 ज्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो ये लॉन्गर साइड है ये भी इससे 30 मीटर ज्यादा है, तो साइड से हमें कैलकुलेट कर लीजिए, तो बिल्कुल इजी हो गया। इसको मान लेते हैं हम एक्स, तो यहां से सिक्स क्वेश्चन के अगर सॉल्यूशन की हम बात करें तो लेट साइड ऑफ शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दैट इज इक्वल टू एक्स मीटर, एक्स मीटर मान ली हमने शॉर्टर को एक्स। अब क्या कह रहा है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, ये इससे 60 ज्यादा है, अगर ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 60 हो जाएगा, और इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर की से 30 मीटर मोर है, तो ये अगर एक्स है तो ये एक्स प्लस 30 है, बस हो गया हमारा काम। अब आप देखेंगे देन लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 मीटर, ठीक इसी तरह से एंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 मीटर।
अब आप देखेंगे ये रेक्टेंगुलर फील्ड है ए बी सी डी। तो अगर हम इस पोर्शन को देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वी हैव पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज की, क्या है इसमें कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर बाकी टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है, मींस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इस पे हमने क्या किया पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। अब इसको सोल्व करेंगे, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर यहां पे एनर्जी अप्लाई कर दी ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 30 का स्क्वायर हो जाएगा, 30 की 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 900 प्लस 2ab से 2x और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x हो जाएगा। इधर से एक्स स्क्वायर 60 का करेंगे 66 के साथ करेंगे तो 36 और 2 जीरो लग जाएंगे प्लस 2ab से 2 की x की और 60 की तो 120x। अब एक एक्स हम कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास बच गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x और इनको हम इधर ले आते हैं माइनस 3600 माइनस 120x दैट इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म देखो हमारे पास इन दोनों से माइनस प्लस के 60x और माइनस के 120 तो माइनस के 60x और माइनस के 2700 प्लस के 900 है और माइनस के 3600 है तो माइनस के 2700 रहेंगे इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए हमें सोल्व करना है, तो आप देखेंगे कि सम कितना होना चाहिए, सम माइनस 60 और प्रोडक्ट हमारे पास है माइनस 2700 ऑप्शन ऑफ एक्स 1 है तो यानी कि माइनस 2700 90 की और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 पूरे हो जाएंगे, सम माइनस 60 है तो मैं इसको माइनस कर दूं तो सम माइनस 60 भी हो जाएगा और 2700 भी माइनस का हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहां पे इसके बाद यहां पे वर्क है तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। यहां इसमें से हम एक्स कॉमन ले तो एक्स माइनस 90 प्लस 30 कॉमन ले तो एक्स माइनस 90। अब एक्स माइनस 90 और एक्स प्लस 30 दैट इज 0, तो ये x माइनस 90 दैट इज 0, x इज इक्वल टू 90 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 30। अब यहां पे आप देखेंगे तो ये तो साइड है, x तो साइड है, शॉर्टर साइड है तो साइड पे कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं रिजेक्टिंग। आप लिख सकते हैं कि बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमारे पास x की ये वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू आ गई तो हमारे पास साइड्स आ गई, तो साइड्स ही तो पूछा था इसमें फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, सो शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दैट इज इक्वल टू x, x की वैल्यू कितनी आई 90 तो 90 मीटर्स। इसी तरह से एंड दूसरी हमारे पास क्या है लोअर साइड, एंड लोअर साइड ऑफ
फील्ड कितनी दी है, एक्स प्लस लोंगर साइड एक्स प्लस 30, यानी कि एक्स हमारे पास कितना है 90, तो 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो शॉर्टर साइड आ गई और लोअर साइड आ गई, तो ये हमने इसको सोल्व कर लिया। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। यहां पे देखो, इसको अगर हम देखें तो हमारे पास शॉर्टर साइड एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 90, ये 90 है, ये हमारे पास 120, और ये 90 और 60 कितना हो जाएगा, डायगोनल कितना हो जाएगा सर, ये 150 हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। 90 का स्क्वायर हो गया 8100 और 120 का स्क्वायर हो गया 14400, इनको प्लस किया तो 005 और ये 2 और ये भी 2 और 150 का स्क्वायर हो गया 15 के साथ 225 और 00, आप देखेंगे ये इसके इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये हमने वेरीफाई कर लिया, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। दोनों ही क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे ढंग से समझना है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाती है फिर क्वेश्चन को सोल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।